भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज शामली कलेक्ट्रेट में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत बुटराड़ा बस स्टैंड से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रोलियों के लाव लश्कर के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान बड़ी समस्या शामली में है। 650 करोड़ रुपया है, ब्याज का भी कुछ मतलब नहीं, ना पैसे दे रहे दूसरा सीजन। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं, हम बहुत भुगतान कर रहे हैं, यहाँ तो किसी को मिल नहीं रहा भुगतान कर रहे हैं, कहाँ का हो रहा है। कौन सा बिजली की समस्या है, कल भी एक मीटिंग हुई, किसान त्रस्त है, गाँव के लोग त्रस्त हैं, सब बिजली अधिकारी सर बिजली की जो कार्रवाई हो रही है उससे। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम खेत की बिजली फ्री देंगे, आधे रेट में देने की बात करी, मीटर लगा रहे, मीटर में को बिजली फ्री कैसे आएगी वो इंजीनियर का नहीं पता भाई, हमको तो मिलवा दो सब लोग बैठे यहाँ पे, इसने ऐसा इंजीनियर देखा हो कि मीटर में को बिजली फ्री आ जा 12 मीटर। यहाँ सड़क बन रही है, दिल्ली से देहरादून हाईवे बन रहा, किसानों की डब को रोज फूंक फूंक रखे अधिकारी, मामले बहुत है, अब यहीं बैठ कर करेंगे बात, मुकदमे लिखे जा रहे दुनिया भर के, कोई आदमी आंदोलन में उसका नाम लिख है, उसके घरों का पुलिस भेजे, उसके लड़के की नौकरी कहाँ है कहने लगा, इसकी पोस्टिंग दूर चाह गई, मतलब दहशत में लेना चाह रहे क्या देश, कोई उसमें होगा तानाशाहों का राज हो गया क्या यहाँ पे। हेलो, ये सारे मामले इसके लिए आए यहाँ पे करेंगे बात। दिल्ली में अपने आंदोलन की ट्रेनिंग दी है क्या यहाँ पे अनिश्चितकालीन? ये तो अजय और क्या तो जान लग रहे, जब आगे तो वापसी थोड़ा जान लग रहे, तो क्या रहेगा कि भुगतान, अरे क्या पता क्या रहेगा, भी आए बैठे पूर्ण पैसे सलाह मशवरा करेंगे। कल भी एक महापंचायत हुई सर? हाँ कल महापंचायत हुई, भाई सरकार के नेता और सरकार के कर्मचारी के खिलाफ भी आरोप लगा रहे, तो इसका जनता के बीच के ही है, सब लोग एक ही मंच पर थे, दिक्कत है। उन्हें आवाज उठाई थी उन्होंने, उन्हें सिला मिला ट्रांसफर कर दिया गया और फिर महापंचायत की गई, क्या मानते हैं कि ट्रांसफर से थोड़ा कोई हल है, समाधान सा होगा, किसी अधिकारी के ट्रांसफर से समाधान नहीं होता, कोई दूसरा होगा जब तक परिवर्तन नहीं होगा। भाई इन पे जो कर्मचारी है ये इनके ऊपर ऊपर से प्रेशर रहता है कि करो, नीचे जनता का प्रेशर है, वो अधिकारियों का भी इलाज हो रहा है, इस राज्य पे अधिकारियों का भी इलाज हो रहा, कर्मचारियों का भी इलाज हो रहा। वेणु कहे जी अंबर के ऊपर से कहे कि जाओ, गांव वाले कहे कि आओ ना, हम कहाँ जाए। क्या सर गन्ना भुगतान का आंदोलन सीमित रहे बिजली के खिलाफ? सारे सारे मामले बता दूँ, बिजली का इशू भी है, गन्ना भुगतान है, जो हाईवे निकल रहा उसका भी है, मुआवजे के मामले हैं, पट्टे कैंसिल हो रहे वो भी है, तो यहाँ तो आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, उसकी समस्याओं की बातचीत करते रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 दिन में बकाया गन्ना भुगतान की तो बात करते हैं, लेकिन उन भुगतान कराया नहीं जाता। इसके अलावा किसानों के नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किसानों के बिल माफ़ करने और मुफ्त बिजली दिए जाने की बात कही थी। राकेश टिकैत ने कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर में कंपनी के द्वारा मुआवजे के लिए दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, जहां कुछ स्थानों पर 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं शामली में मुआवजे की धनराशि काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों की भी स्थिति कोई खास अच्छी इस सरकार में नहीं है, सरकारी अधिकारी भी सरकार से परेशान हैं।
जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।